आप सबको जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको शमूएल नबी के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको शमूएल नबी की पहली पुस्तक में देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि एल्काना नामक एक अप्रेमी पुरुष था, जिसकी दो पत्नियां थी। एक का नाम हन्ना था और दूसरी पत्नी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना से एल्काना को बच्चे हुए, परंतु हन्ना से कोई भी बच्चा ना हुआ, जिसके कारण हन्ना बहुत उदास और मायूस रहा करती थी। और पनिन्ना हन्ना को चिढ़ाया करती थी तथा उसे कोसती भी थी। एक दिन जब हन्ना अपने घराने समेत परमेश्वर के मंदिर में गई, तो उसने रो रो कर यहोवा से प्रार्थना की और कहा कि यहोवा, यदि आप मुझे पुत्र की आशीष देंगे तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा के भवन में अर्पण कर दूंगी। ऐसा कहकर उसने यहोवा से वाचा बांधी। परमेश्वर यहोवा ने भी उसकी प्रार्थना को सुना और एक वर्ष बाद उसे पुत्र की आशीष दी और हन्ना ने उस पुत्र का नाम शमूएल रखा। जब उसके दूध छुड़ाने का समय आया, तब हन्ना ने अपनी वाचा के अनुसार जो उसने यहोवा से बांधी थी, अपने पुत्र शमूएल को लेकर वह यहोवा के भवन में गई और अपने पुत्र को याजक एली के हाथ में सौंप दिया, ताकि वह यहोवा के भवन में रहकर यहोवा की सेवा किया करे। इस प्रकार बालक शमूएल अपनी बाल्यावस्था से ही यहोवा के भवन में रहकर उसकी सेवा करने लगा। उस समय यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। एली जो कि याजक था, उसकी भी आंखें धुंधली हो गई थी और उसे कुछ समझ भी नहीं आता था। एक दिन रात के समय जब शमूएल याजक एली के स्थान पर यहोवा के मंदिर में दीपक के पास लेट गया, तब यहोवा परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा और कहा, हे शमूएल, हे शमूएल। तब उस आवाज को सुनकर शमूएल को ऐसा लगा कि याजक एली उसे पुकार रहा है, तो वह दौड़ता हुआ याजक एली के पास गया और कहा कि क्या आपने मुझे पुकारा। तब एली शमूएल से कहने लगा कि हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, जा लेटा रहे। तब शमूएल जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार कर उससे कहा, हे शमूएल, हे शमूएल। तब फिर शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा कि क्या आज्ञा, तूने तो मुझे पुकारा है। एली ने कहा, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटा रहे। तो वह फिर जाकर लेट गया। प्रियो, उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना ही यहोवा का वचन उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा, तूने मुझे पुकारा है। तब एली समझ गया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है, इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेटा रहे और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकार कर कहा, शमूएल, हे शमूएल। तब शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। उस दिन मैं एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूँगा जो मैंने उसके घराने के विरुद्ध कहा था। प्रियो, यहोवा ने शमूएल पर प्रकट किया कि वह एली वह उसके घराने का अंत कर डालेगा और उनका प्रायश्चित ना तो मेलबलि से होगा और ना ही अन्य बलि से, क्योंकि एली याजक के पुत्र यहोवा की दृष्टि में दुष्ट व पापी थे और उनका पिता एली उन्हें पाप करने से रोकता भी नहीं था। यहोवा ने शमूएल पर यह सब इसलिए प्रकट किया क्योंकि यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में शमूएल ही इस योग्य था कि वह इज़राइल का न्याय कर सके और परमेश्वर के पवित्र मंदिर की सेवा भी कर सके। शमूएल अपने हर एक काम में ईमानदार था और वह यहोवा का भय पूरे मन से मानता था। प्रियो, परमेश्वर ने शमूएल को कोई चेतावनी नहीं दी थी कि आज रात के समय मैं तुझसे मिलने आऊँगा, बल्कि शमूएल को हर समय सचेत रहने की जरूरत थी।
बाइबल में हम कई बार यह देखते हैं कि परमेश्वर अपने नबियों को अचानक ही बुलाता और बात करता था, इसलिए उन्हें हर समय एक सचेत अवस्था में रहना पड़ता था ताकि वह परमेश्वर की आवाज को सुन सके। लेकिन ध्यान दे प्रियो कि परमेश्वर सिर्फ उनसे ही बात करता था जो उसकी आवाज सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। प्रियो, अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनने की आदत डाल लेंगे तो आपका जीवन आगे के लिए पूरी तरह से बदल जाएगा। जिस तरह परमेश्वर ने शमूएल से बातें की, वैसे ही परमेश्वर आपसे भी बातें करना चाहता है, लेकिन क्या आप उसकी आवाज सुनने के लिए उत्सुक हैं? परमेश्वर बहुत से तरीकों से हमसे बात करता है, जैसे जब हम बाइबल पढ़ रहे होते हैं, या जब हम किसी भाई या बहन से बात कर रहे होते हैं, या फिर रात के समय जब आप अपने बिस्तर पर प्रभु की ओर ध्यान लगाए हुए लेटे हों। बस आपका मन सुनने वाला होना चाहिए, तब आप शमूएल की तरह कह सकते हो कि कह प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। शमूएल का मन सुनने के लिए तैयार था, इसलिए परमेश्वर ने उससे जो कुछ कहा उसने वह सुना और वह बात लोगों को भी बता सका। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि भोर के समय जब एली याजक ने उससे पूछा कि तुझे यहोवा ने क्या कहा, तो शमूएल चुपचाप खड़ा रहा। फिर जब एली याजक ने बहुत बार उससे पूछा, तब शमूएल ने उसे वह सब कुछ बता दिया जो यहोवा ने उससे कहा था, और जैसा यहोवा ने एली याजक और उसके परिवार के विषय कहा था वैसे ही हुआ कि उसका सारा घराना पल भर में मिट गया। लेकिन शमूएल यहोवा के भय में बढ़ता गया और यहोवा उसके संग संग रहा, और यहोवा ने उसकी कोई भी बात निष्फल नहीं होने दी। तब इसराइल के लोगों ने जान लिया कि यहोवा ने शमूएल को इसराइल का नबी होने के लिए नियुक्त कर लिया है। तब शमूएल यहोवा की ओर से न्यायी होकर इसराइल में कार्य करने लगा। तब शमूएल नबी इसराइलियों को चेतावनी दिया करता था कि तुम अपने संपूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरो और पराए देवताओं की उपासना करना छोड़ दो, ताकि परमेश्वर यहोवा तुम पर दया करे और तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से बचाए, क्योंकि उस समय पलिश्ती लोग इसराइल से युद्ध किया करते थे और इसराइल के लोग भी मूर्ति पूजा में लिप्त थे, इसलिए यहोवा उनके संग नहीं था और वे लोग पलिश्तियों से युद्ध में हार जाते थे। इसके साथ ही उन दिनों में इसराइल के लोगों ने यहोवा की उपासना करना भी छोड़ दिया था, लेकिन शमूएल नबी इसराइलियों को परमेश्वर की ओर फिरने का मार्ग बताता रहा और उन्हें इकट्ठा किया कि वे मिलकर परमेश्वर की उपासना करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनकी पलिश्तियों से सुरक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने उनकी सुनी और पलिश्तियों को इसराइलियों पर विजय नहीं होने दिया। प्रियो, यह शमूएल की प्रार्थना का ही परिणाम था कि परमेश्वर ने पलिश्तियों से इसराइलियों को बचाया। वैसे ही प्रियो, जब भी कोई भक्त परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहकर उससे प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को जरूर सुनता है और उसकी तथा उसके लोगों की रक्षा करता है। जब तक शमूएल इसराइल का न्याय करता रहा, तब तक इसराइल में शांति बनी रही और लोग यहोवा के पीछे चलते रहे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, तो समय के साथ साथ परिस्थितियां भी बदलती चली गई। जब शमूएल बूढ़ा हुआ, तो इसराइल के लोग इकट्ठे होकर उसके पास आए और उससे कहने लगे कि तू तो बूढ़ा हो चुका है और तेरे बेटे भी तेरी राहों पर नहीं चलते, इसलिए अन्य जाति लोगों की रीत के अनुसार तू हमारे ऊपर एक राजा नियुक्त कर दे जो हम पर प्रभुता करे और हमारी ओर से युद्ध लड़ा करे। प्रियो, यहां मैं आपको बता दूं कि शमूएल ने तो ईमानदारी से प्रभु की सेवा की, लेकिन उसके बेटे अपने पिता के समान ना बन सके। वे रिश्वत लेकर न्याय बिगाड़ते तथा बेईमानी से लाभ कमाते थे। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सिर्फ शमूएल को ही नबी होने के लिए चुना था, उसके पुत्रों को नहीं। लेकिन शमूएल ने अपने पुत्रों को वह सेविकाएं दी जिसके लिए उन्हें परमेश्वर से बुलाहट ही नहीं थी। आज बहुत से प्रचारक यही गलती करते हैं कि वे भी अपने पुत्रों को वारिस के रूप में नियुक्त कर देते हैं, फिर भले ही उन्हें परमेश्वर की ओर से बुलाहट नहीं मिली हो। इसके साथ ही प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ कि शमूएल की तरह ही कई ऐसे प्रचारक हैं
जो अपनी सेविकाएं के क्षेत्र में तो अच्छे होते हैं, लेकिन उनके बच्चे उनके पिता की तरह नहीं होते हैं। मैं ऐसे कई प्रचारकों को जानती हूँ जिनके बच्चे गलत संगत में तथा गलत आदतों में लिप्त हैं और परमेश्वर से बहुत दूर हैं। एक प्रचारक को अपनी सेविका के साथ साथ अपने परिवार की भी देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए प्रचारकों को बड़ी सावधानी से अपनी तथा अपने परिवार की देखभाल करनी आनी चाहिए। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि जब इज़राइल के लोग शमूएल से राजक की मांग करने लगे तो यह बात शमूएल को बुरी लगी। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की तो यहोवा ने उससे कहा कि जो कुछ वह तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझे नहीं वरन मुझे ही को तुच्छ जाना ताकि मैं उनका राजा ना रहूं। इस प्रकार इज़राइलियों ने मांग की कि उन्हें एक राजा दिया जाए। तब यहोवा ने इज़राइल का राजा होने के लिए शाऊल को चुना, जो कि एक अप्रेमी पुरुष था। तब यहोवा से आज्ञा पाकर शमूएल ने उसका अभिषेक किया तथा शाऊल ही इज़राइल का पहला राजा कहलाया। शमूएल ने समस्त इज़राइलियों से कह दिया कि तुम्हारी इच्छा के अनुसार यहोवा ने तुम पर राजा नियुक्त कर दिया है, परंतु तुम फिर से मूर्ति पूजा में ना जाना, यहोवा की आज्ञा को मानना तथा अपने राजा की भी सुनना। जब शाऊल इज़राइल पर राज्य कर रहा था तब शमूएल यहोवा से दर्शन पाकर राजा शाऊल की अगुवाई किया करता था और कैसे और कब युद्ध करना है यह सब बातें शमूएल ही शाऊल को बताया करता था। अर्थात भले ही राजा के रूप में शाऊल राज्य करता हो, परंतु यहोवा शमूएल के द्वारा ही शाऊल से बात करता था। शाऊल कुछ समय तक तो अच्छा शासन करता रहा, लेकिन आगे चल के वो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करने लगा। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा यह संदेश उसे कहला भेजा कि इज़राइल का राजा होने के लिए तू तुच्छ जाना गया है, क्योंकि तूने पूरे मन से यहोवा की आज्ञा नहीं मानी और अब यहोवा ने एक ऐसे पुरुष को चुन लिया है जो उसके मन के अनुसार है। अर्थात यहोवा ने शाऊल की जगह इज़राइल का राजा होने के लिए यिशै के पुत्र दाऊद को चुन लिया था। तब यहोवा ही की आज्ञा पाकर शमूएल नबी ने दाऊद का अभिषेक किया ताकि वह इज़राइल का राजा बने। इस प्रकार यहोवा परमेश्वर ने इज़राइल के बीच में शमूएल के द्वारा अपने कार्य को किया। जब शमूएल दाऊद का अभिषेक कर चुका तो उसके कुछ समय पश्चात वह अपने पुरखाओं के संग सो गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई और उसको उसके गृह नगर रामा में मिट्टी दी गई। प्रियो, शमूएल के जीवन से हम सीखते हैं कि वह बचपन से लेकर अपने जीवन के अंत तक परमेश्वर के मार्गों से कभी नहीं डगमगाया और ईमानदारी से प्रभु की सेवा करता रहा। उसने यह महसूस किया कि अगर वह परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करेगा तो वह पाप करेगा। उसने जीवन भर इज़राइल के लोगों के लिए प्रार्थना की। प्रियो, ऐसे कितने अगुवे हैं जो यह मानते हैं कि अगर वे अपने झुंड के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं तो वे पाप करते हैं। प्रियो, आज बहुत से लोग अगुवे तो होना चाहते हैं और वे अगुवे बन भी जाते हैं, लेकिन अगर वे अपने झुंड के लिए प्रार्थना नहीं करते तो वे पाप करते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी अपने 12 चेलों के लिए प्रार्थना किया करते थे। शमूएल भी प्रार्थना के महत्व को जानता था, इसलिए वह एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बना। प्रियो, यदि हम भी इस संसार में एक सफल जीवन जीना चाहते हैं तो हमें शमूएल की तरह परमेश्वर की आवाज़ सुनना और उसकी मानना बहुत ज़रूरी है। शमूएल अपने बचपन से परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा, लेकिन आज के समय में लोग सिर्फ अपने बुढ़ापे में परमेश्वर को ढूंढते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। आज आपकी उम्र चाहे जो भी हो, अभी से प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दीजिए ताकि परमेश्वर आपके द्वारा अपनी महिमा प्रकट कर सके। आशा करती हूँ प्रियो, शमूएल नबी के जीवन का संक्षिप्त विवरण आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सब से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।